दोस्तों आईपीएल 2023 के 52वें मुकाबले में आज के दूसरे मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स की टीमें आमने सामने होगी, जिसके लिए दोनों ही टीमों की धाकड़ प्लेइंग 11 भी घोषित हो चुकी है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं इन दोनों टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में, साथ ही आपको बताएंगे मैच से पहले पिच रिपोर्ट के बारे में और ये मैच कब कहां कितने बजे से खेला जाएगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप सभी को क्या लगता है एडन मार्करम और संजू सैमसन में सबसे बेहतर कप्तान कौन है, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर से हमें दीजिए। दोस्तों आईपीएल 2023 अपने आखिरी पड़ाव पर है, जहां आज का दूसरा महामुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाएगा और यह मैच आज शाम 7:30 पर शुरू होगा। वहीं इस मैच का टॉस आधा घंटे पहले यानी 7 बजे होगा। वहीं इस मैदान की पिच रिपोर्ट की बात करें तो जहां इस मैदान में पिछले 5 पारियों का औसतन स्कोर 136 रहा, वहीं इस मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला सही साबित हो सकता है। एक तरफ राजस्थान रॉयल्स की टीम पॉइंट टेबल पर 10 मैचों में 5 जीत और 5 हार के साथ चौथे स्थान पर बनी हुई है। दूसरी तरफ खराब प्रदर्शन के कारण सनराइजर्स हैदराबाद की टीम इस सीजन अंक तालिका में 10वें पायदान पर है। वहीं दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 17 मुकाबले खेले गए, जिस दौरान राजस्थान रॉयल्स ने 9 मुकाबले जीते हैं, वहीं सनराइजर्स की टीम ने 8 मुकाबले अपने नाम किए हैं। वहीं राजस्थान रॉयल्स को लगातार 2 मैचों में मिली हार के बाद इस मैच को जीतकर पॉइंट टेबल में अपनी दावेदारी मजबूत करना चाहेगी। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 के बारे में। तो दोस्तों ओपनिंग की जिम्मेदारी एक बार फिर से यशस्वी जायसवाल और जोश बटलर के कंधों पर होगी। इसके अलावा नंबर 3 पर कप्तान संजू सैमसन उतरेंगे, नंबर 4 पर देवव्रत पडिक्कल होंगे, नंबर 5 की बात करें तो शिमरन हेटमायर, नंबर 6 पर ध्रुव जुरेल, नंबर 7 पर रविचंद्रन अश्विन, नंबर 8 पर जेसन होल्डर, नंबर 9 पर युजवेंद्र चहल, नंबर 10 पर संदीप शर्मा और वहीं ट्रेंट बोल्ट प्लेइंग 11 में शामिल होंगे। तो दोस्तों बात करें सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग 11 के बारे में, तो दोस्तों हैरी ब्रुक और मयंक अग्रवाल पारी की शुरुआत करने वाले हैं। नंबर 3 के स्थान पर अभिषेक शर्मा, नंबर 4 पर कप्तान एडन मार्करम खेलने के लिए आएंगे, 5वें नंबर पर हेनरिक क्लासन, 6ठे नंबर पर अब्दुल समद, 7वें नंबर पर मार्को जानसन, वहीं 8वें नंबर पर मयंक मार्कंडे, 9वें नंबर पर टी नटराजन, वहीं 10वें नंबर की बात करें तो भुवनेश्वर कुमार, 11वें नंबर पर कार्तिक त्यागी होंगे।